इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने कोपर्टी के ताल्लुक से किताब पर्दादारी के अंदर एक मसाला दर्ज था कि कोपर्टी लगवाना जायज़ है और उसको कयास किया गया था कॉन्डम वगैरह के ऊपर, तो उसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करने के अंदर एक चीज़ वजाहत में लिखना रह गई थी। फिर एक इस्लामी बहन ने ईमेल करके इस तरफ तवज्जो दिलाकर शुक्रिया का मौका दिया कहने का, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उसमें जो कोपट्टी लगवाने का औरत को जायज़ का हुक्म दिया है, वो उस सूरत में जायज़ का हुक्म दिया है जबकि वो बेपर्दगी का ज़रिया ना बने। अगर ये लगवाना किसी मर्द डॉक्टर से है तो भी नाजायज़ है, इसी तरह अगर किसी औरत डॉक्टर से भी है, लेडीज़ से भी है, तो भी इसका लगवाना जायज़ नहीं है, क्योंकि सित्र का खोलना बेवजह औरत के सामने भी जायज़ नहीं। लिहाजा उसके लगवाने की जायज़ सूरत ये है, या तो औरत वो ख़ुद लगा ले अगर वो लगा सकती है, या फिर उसका शौहर लगाना सीख ले, या फिर उसको लगाना आती हो तो लगा ले, या फिर अगर उसका शौहर डॉक्टर है तो वो लगा ले। इस सूरत में मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी कि वो औरत ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे लगा शायद इस्तेमाल ख़ुद हो सकता है। बाद में उन्होंने मुझे बताया इस्लामी बहन ने कि ये डॉक्टर के ज़रिए ही लगाई जा सकती है, ख़ुद इसमें लगाना ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा अगर ये डॉक्टर के ज़रिए लगवाई जाएगी तो फिर जो है सित्र का खोलना गैर के सामने होगा, चाहे औरत हो या मर्द, और औरत के सामने भी बेवजह सित्र नहीं खोल सकते। लिहाजा फिर ये कि औलाद में रुकावट पैदा करने के लिए कोपर्टी का लगवाना इस सूरत में फिर जायज़ नहीं होगा जबकि इसमें सित्र खुलने का अंदेशा हो। और अगर शौहर इसका ख़ुद लगा दे या शौहर डॉक्टर हो तो ऐसी सूरत में इनके लिए गुंजाइश है, यानी काम जायज़ है, मगर बेपर्दगी की जो रियायत है वो हर जगह देखी जाएगी, चाहे कोई काम औरत के लिए जायज़ हो या नाजायज़ हो। इसी तरीके से अगर ऐसा मामला है कि कोपट्टी के अलावा कोई दूसरे ज़रा इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो आर्जी तौर से टेम्परेरी तौर से बच्चों में रुकावट पैदा कर दे, तो फिर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें किसी तरीके की बेपर्दगी ना हो, जैसे कि कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करना या कोई दूसरी ऐसी अज़ल वगैरह करना कि जिससे औलाद में अगर कमी चाहते हैं तो ये मामला पूरा हो जाए और इसमें कोई सित्र का खुलना ना हो। तो आप लोग जिन्होंने वो किताब पढ़ी है पर्दादारी, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोपर्टी का इस्तेमाल उसी सूरत में जायज़ है जबकि शोहर उसमें ख़ुद इस्तेमाल करे, या फिर ये कि औरत उसमें ख़ुद इस्तेमाल करे, वरना ये कि जायज़ उसका इस्तेमाल बेसित्री के अहकाम पे फिर उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। पत्थर में असल।